हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सफारस राजपूत। तो हम आज आपको एक भाई है हमारे यहाँ पे जो कि अनूप सर है। अनूप सर एक तहसील है जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे डोसा बन रहे थे, मैं मेरा दोस्त हम लोग आए घूमने ऐसे ही, तो बोला चलो डोसा ही खा लेते हैं। तो भाई ने क्रीम बटर पता नहीं क्या डाला, ठीक है। और इससे पूछा भाई से, मैंने कहा ये क्या है, बोला ऑनियन पेस्ट है। तो दूसरा वो चटनी है टमाटो, मैंने कहा ठीक है। इन्होंने जो है अच्छे से लीप अप होती इसकी कर दी। अब भाई देखने में तो ऐसा लग रहा था पता नहीं डोसा कितना अच्छा बनने जा रहा है, और लग भी रहा है कि हाँ वाकई में अच्छे बनने वाला है डोसा। अभी देखो डोसा खाने का जो मजा है ना, जो क्रंची डोसा होता है ना वाकई में, उससे ज्यादा मजा किसी में है ही नहीं। ऊपर से सांभर भी थोड़ा ठीक ठाक मिल जाए तो अलग ही बात है, लेकिन भाई का सांबर तो देख के मेरे को लग नहीं रहा इसमें इतना मजा होगा। फिर भी अब ऑर्डर किया तो टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना भाई। और टमाटो चटनी था इनका, नारियल का चटनी बना रखा था भाई ने, बुरादे वाला चटनी बना रखा था। नारियल तो था ही नहीं क्योंकि बुरादा ही था वो, और टेस्ट इतना खास आया नहीं। अब इन्होंने ढेर सारा मसाला डाला आलू का जो कि जाता है डोसे के अंदर। अच्छा इन्होंने पूरे डोसे पर अच्छे से स्प्रेड किया ताकि कोई जगह रहे ना, अच्छे से लीप अप होती की भाई ने, और ऑनियन डाल दिया उसके ऊपर ढेर सारा। अच्छा देखने में बड़ा मजेदार डोसा लग रहा था, मैंने कहा भेंचो आज तो मजा ही आ जाएगा। भाई ने थोड़ा सा फ्लेम तेज किया जल्दी पकाने के चक्कर में, और साइड से उठ उखाड़ दिया डोसे को। अब क्या किया उन्होंने, फोल्ड कर दिया। देखना अब भाई कर देंगे इसको फोल्ड। भाई पूछता खाओगे ले जाओगे, तो हमने बोला खाएंगे ही। मैंने कहा इसका तीन तीन पीस करना ताकि हम एक एक पीस खा लें तीनों बंदे। एक पीस कर दिया भाई ने, दूसरा पीस कर दिया। अब इसको जो हमारे लिए सर्व कर दिया इन्होंने। अब मेरे ये दो दोस्त, एक भाई है और एक दोस्त है, अब बैठे थे ऑलरेडी, मैं भी पहुंच गया उधर भाई, क्योंकि टेस्ट तो मेरे को भी खाना था थोड़ा बहुत। तो अब डोसा भी काफी बड़ा था तो हमारा तीनों का काफी था इतना हो जाना। अब ये भाई ने मेरे ने पहला वाइट लिया दोस्त ने। अब इससे पूछा मजा आया, तो मेरा भाई बोलता बोला बस ठीक है, ये तो कचौरी लग रही है कचौरी लग रही है कचौरी, और कसम खा रहा था भाई। तो मैंने कहा यार कचौरी कैसे लग रही है, मैंने यार तो डोसा ही। अच्छा इन्होंने इससे पहले भी डोसे खाए थे, तो वो जो डोसे थे ना वो इन्होंने क्रंची डोसे खाए थे। अब क्रंची डोसे के आगे इसका टेस्ट थोड़ी मजा आएगा इसमें, वो तो फिर कचौड़ी सा लगेगा ही लगेगा। बोलो एन जो लबेट लबाट कचौड़ी बना के दे दिया है, फिर भी खा रहा था, बोला खाना तो है ही, पैसे खर्च किए हैं तो खाना तो पड़ेगा। बोलता तू तो ही खा ले, अब मेरे को तो अच्छा लग नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा इसमें। मैंने कहा यार खाओ इसको खत्म तो करो एटलीस्ट। बोला भाई तू ही खा ले यार, मेरा मन नहीं कर रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा ऐसा डोसा कभी भी अगर हम लोग खाते हैं ना, कभी भी कोई भी खाता है, तो एक बार उसको जो बना रहा है ना उसको बोल दो कि भाई क्रंची नहीं, क्रंची चाहिए या फिर डोसा मसाला वाला चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसको सामने वाले को बता दो ताकि उसको आइडिया रहेगा हम मेरे को बनाना कैसा है। अब हम लोगों ने बनवा लिया था, हमने भी कुछ बोला नहीं उससे, मैंने क्या बोलना है, बनाने दो उसके अपने तरीके से। तो भाई इनको गीले के चक्कर में इनको नहीं है पसंद, तो एक तो छोड़ के पहले ही चला गया था, बोला मेरे को तो खाना ही नहीं है। अब उठ के चला गया, अब बोल रहा है तू टेस्ट कर इसको चल। मैंने बोला हम टेस्ट करेंगे चलो भाई। हमने लिया एक बाइट, अच्छा गीला गीला सा मेरे को भी लगा था क्योंकि मसाला कुछ ज्यादा ही हो गया था। तो मैंने लिया एक बाइट, खा के देखा तो वाकई में सच में मजा नहीं था। ठीक है छोड़ो,